हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी 2023 के लिए हमने करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करने के लिए बोला था। आज से हम उस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम देखेंगे पूरे वर्ष वो सभी टॉपिक जो करंट अफेयर में रहे हैं, उनसे रिलेटेड हम बैकग्राउंड में स्टैटिक जीएस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ उसमें हम देख सकते हैं कि लोकेशन कौन से इंपॉर्टेंट रहे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी जो उनसे रिलेटेड रही हैं, उन सभी चीज़ों को हम देखने का प्रयास करें, जिससे हमारा प्रीलिम्स के लिए एक समग्र दृष्टिकोण क्रिएट हो सके, जन बन सके एक समग्र दृष्टिकोण। इस तरीके से हम इसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए आज की सीरीज देखते हैं। आज का पहला टॉपिक देखते हैं। पहला है गैम्बलिंग, मतलब सट्टेबाजी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ऐसे वेबसाइट हैं वर्तमान समय में जो जारी हो गई हैं और उनसे सट्टेबाजी की जा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सट्टेबाजी किस मतलब आता है, ये राज्य सूची में आता है या केंद्र सूची में या कॉन्करेंट सूची में, मतलब समवर्ती सूची में, किस में आता है जुआ। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी रखना आवश्यक पड़ जाता है यहाँ पे, और कौन से एक्ट के अंतर्गत इनको बैन लगाया जाता है ये चीज़ भी जानना जरूरी है। देखिए, इनको बैन लगाया जाता है आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत, धारा 67 के अंतर्गत इन पर बैन लगाया जाता है। इसके साथ साथ आपसे इसका मेंस में डेफिनेशन पूछा जा सकता है, और डेफिनेशन के बताने के साथ साथ इसके चैलेंजेस और इसके कुछ बेनिफिट्स से आपको बताना पड़ेगा, काउंट करवाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको डेफिनेशन इसका बताने के लिए डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बताएंगे। जुआ खेलने से तात्पर्य किसी अवसर से किसी व्यक्ति को ऐसे चीज़ समझिए कि धन या कीमती चीज़ों को बाजी लगाए और ये उपेक्षा करे कि उसको जल्दी से वो जीतेगा कम समय में, मतलब वो सोच समझ के विचार करके लगा रहा हो पैसा, मौका देख के लगा रहा हो और पुरस्कार पाने का उम्मीद करता हो, उस कंडीशन को हम जुआ कहते हैं। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, जुआ की बात किया जाए तो जुआ किस में आता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है जुआ। वहीं अगर हम लॉटरी की बात करें तो लॉटरी किस में, केंद्र सूची का विषय है। ये बात आप याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस। जुआ जब पूछेगा गैम्बलिंग, तो गैम्बलिंग आता है राज्य सूची के अंतर्गत। अब यहाँ देख सकते हैं सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, सूची सेकंड के अंतर्गत आता है जुआ, प्रवेश संख्या 34 में आप देख सकते हैं, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(b)(15) के अंतर्गत सट्टेबाजी संबंधी कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूची एक के अंतर्गत, सातवीं अनुसूची के सूची एक के अंतर्गत देख सकते हैं प्रवेश संख्या 40 में ये दिया गया है कि जो लॉटरी होती है वो केंद्र सूची का विषय है। अब यहाँ पे कुछ विषय दिए गए हैं जो राज्य सूची के हैं, समवर्ती सूची के हैं, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होंगी। बस इतना इसमें जरूरी आपको ये था कि पता होना कि कौन सा, जैसे कि गैम्बलिंग, जुआ आपको किस सूची में आता है, तो ये राज्य सूची का है। वहीं अगर सट्टेबाजी कह दिया, सट्टेबाजी नहीं लॉटरी कह दिया जाए, तो लॉटरी किसके अंतर्गत आती है, केंद्र सूची के विषय है ये। इन चीज़ों को आपको याद रखना जरूरी है। भारत के कुछ राज्यों में जुआ अलाउड है, तो आप देख सकते हैं कि किन राज्यों में और किस तरह की सट्टेबाजी अलाउड है। जैसे कि भारत में देखें घुड़सवारी वैध है, आपसे पूछा जा सकता है, लिस्ट दिया जा सकता है कि कौन कौन सा वैध है भारत में, कौन कौन सा अवैध है। तो इस तरीके से आपको याद होना जरूरी है, भारत में घुड़सवारी यहाँ पे लीगल है, अगर कोई घुड़सवारी करता है भारत में तो वो लीगल है। इसके साथ साथ अनेक राज्यों में क्या किया गया, लॉटरी को वैध बनाया गया है। वो कौन कौन से राज्य है जहाँ पे लॉटरी वैध है, जैसे कि गोवा में आप जाके लॉटरी, फिर केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी राज्यों में क्या लॉटरी लीगल है। वहीं अगर देखें सार्वजनिक रूप से कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें लागू हैं, मतलब जुआ गैम्बलिंग कहाँ कहाँ पर चीज़ लीगल हैं, तो अगर गैम्बलिंग की बात करें, गैम्बलिंग एक्ट 1967 के अंतर्गत गोवा में, सिक्किम में, नागालैंड में, दमन दीव में ऑनलाइन जुआ और ये सब कैसिनो, ये सब वैधानिक रूप से लीगल है वहाँ पे। लेकिन महाराष्ट्र में प्रतिबंध इस पर लगाया जा चुका है, 1887 में ही महाराष्ट्र में बैन लगा दिया गया था। इसके साथ साथ सिक्किम और नागालैंड में यहाँ पे देखें गेम ऑफ चांस को वैध किया गया है। तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं बहुत सारे भारत में ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इन पे कुछ में बैन लगा है, कुछ में नहीं लगा है। लेकिन आप एक बात याद रखें, घुड़सवारी भारत में लीगल है क्योंकि इसको ये माना जाता है कि ये कौशल का गेम है, यहाँ कौशल से चलता है, ना कि कोई लक से, लक बाई चांस से नहीं होता, यहाँ कौशल से होता है, तो इसलिए इसको लीगल बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया और उसका वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया। तो आपको इसमें कुछ चीज़ें उनसे संबंधित याद रखने की आवश्यकता है। जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या चीज़ है, कैसे होती है रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की प्रक्रिया, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं याद है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए। और आपको ये याद रखना चाहिए, लॉर्ड डलहौजी ने उनका जो प्रॉपर्टी थी उसको क्यों हड़पा था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी को तब हड़प लिया था जब उनकी उनके हस्बैंड मतलब राजा वहाँ के जो झांसी के जो महाराजा थे 1853 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनके भाई के बच्चे को ये गोद ले लेती हैं। गोद लेने के खिलाफ
डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ मतलब व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत ये प्रक्रिया अवैध मानी जाती है। केवल अपने बच्चों को ही वो अपनी जो भी विरासत है उसको हस्तांतरित कर सकते थे, किसी गोद लिए हुए बच्चे को नहीं कर सकते थे। इस तरीके से उनका डलार्ड डलहौजी ने उनकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया और रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया और इस तरीके से वो लड़ती हुई शहीद हो गई। कब? 17 जून 1858 को। तो इतनी बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब कुछ और चीज़ें अगर इसमें देखना चाहेंगे तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल थोड़ा सा देख लीजिए। पूछा जा सकता है कि आपसे सीक्वेंस अरेंज करने के लिए, तो 1848 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी था, ये बातें आप याद रखिए। अगर किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, किसी राज्य का नाम बदलना हो तो कैसे बदला जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति क्या करेंगे, पहले इसके अनुशंसा करेंगे, देंगे किससे, मंत्रिपरिषद से सहमत लेकर के, मंत्रिपरिषद से चर्चा करके इसके मतलब संबंध में लाएंगे एक प्रस्ताव। फिर वो प्रस्ताव राज्य विधानसभा में भेजा जाएगा, राज्य विधानसभा को कुछ निश्चित टाइम दिया जाता है, उसके अंतर्गत राज्य विधानसभा निर्णय करके बताए कि क्या करना है। और वो राष्ट्रपति फिर से दोबारा अगर नहीं बताती है, चाहे मतलब समर्थन दे राज्य विधानसभा न दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना राष्ट्रपति फर्क पड़ता है ना संसद पे, वो कानून बना के सामान्यतः संशोधन करके राज्य का नाम बदल सकती है। तो आप किसी राज्य का, किसी कस्बे का या नाम बदलने के लिए या किसी स्टेशन का नाम बदलने के लिए ये प्रक्रिया है। लेकिन राज्य केवल यहाँ राज्य के मामले, अगर किसी स्टेशन का नाम बदलना हो तो रेलवे गृह मंत्रालय जो है वो रेलवे से, डाक विभाग से और भारतीय सर्वे विभाग से चर्चा कर करके उस प्रस्ताव पर हरी झंडी दे सकता है। तो इस तरीके से किसी शहर या कस्बे का नाम बदला जाता है, आपको याद रखने की जरूरत है। राज्य के नाम बदलने की संसद बदलती है, और अगर किसी शहर का नाम या फिर किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलना हो तो गृह मंत्रालय मतलब कुछ विभागों से चर्चा करके नाम बदलने की परमिशन दे सकता है, ये बातें अब याद रखिएगा। अब कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 8 कोर इंडस्ट्रियल इंडेक्स का, कोर इंडस्ट्रियल इंडेक्स के बारे में देखा होगा, तो कौन निकालता है उसको? सांख्यिकी मंत्रालय निकालता है, मासिक रूप से निकालता है, ये बातें आप याद रखिएगा। मासिक रूप से इसको जारी किया जाता है और इसका वेटेज कैसा है अरेंज करना पड़ सकता है आपसे। तो देखिए, इसका टोटल वेटेज 40.27% है IIP का, और इसमें सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है तो ये अगर पूछा जाए तो रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा वेटेज, उसके बाद बिजली का, फिर स्टील का, कोयला का, कच्चा तेल का, फिर प्राकृतिक गैस का, सीमेंट का, और लास्ट में उर्वरक आता है, ये बातें याद रखिएगा। और इसका आधार वर्ष आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आधार वर्ष 11-12 है, इतनी सी बात आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में रही हैं पूरे वर्ष। तो अब इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि व्यापक क्षेत्र और उपयोगी क्षेत्र में। व्यापक क्षेत्र में आता है खनन, विनिर्माण और बिजली, और उपयोगी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो मूल वस्तुएँ, पूंजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ उपयोगी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे है GST क्षतिपूर्ति विस्तार। अभी GST क्षतिपूर्ति एक्ट के अंतर्गत इसका विस्तार कर दिया, क्योंकि 2022 में समाप्त होने वाला था, 2022 में इसको ये समाप्त हो जाता जो क्षतिपूर्ति एक्ट बनाया गया था उसके लिए। आपको ये पूछा जा सकता है आप कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था, स्टेट PCS में चांसेज हैं कि पूछे जा सकते हैं। तो 101 अमेंडमेंट के माध्यम से इसको लाया गया था 2016 में, और लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था क्षतिपूर्ति एक्ट के माध्यम से। क्या किया गया था, इसके पहले जो भी टैक्स लगाए जाते थे वो क्या किए जाते, उसके पहले जो भी टैक्स लगते थे वो विनिर्माण पर लगते थे, लेकिन आपको पता है GST उपभोग पर लगने वाला कर है, जितने लोग उपभोग करेंगे, जितने लेवल पर जाके करेंगे उसी के अकॉर्डिंग लगेगा टैक्स, ये उपभोग पर आधारित है। तो कुछ राज्य ऐसे थे जो विनिर्माण में अग्रणी थे, अब ऐसे में क्या होगा, उपभोग पर लगेगा। तो मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और UP में उसका कंज्यूम किया जा रहा है, तो टैक्स तो UP से मिला, महाराष्ट्र कहेगा हमें कुछ मिला नहीं। तो इस तरीके से क्या किया जाएगा, उनके कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा, किनको, महाराष्ट्र को इस मामले में। अब उस कंपनसेशन के लिए प्रोविजन किया गया, क्षतिपूर्ति उपकर GST एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया 2017 में, और इसके माध्यम से अगर किसी राज्य को एक आधार वर्ष के अकॉर्डिंग, वो आधार वर्ष क्या है, 15-16 है, 15-16 के अनुसार अगर उनको 14% के लगभग वृद्धि नहीं होती है या इससे ज़्यादा कमी आ जाती है तो उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, ये गारंटी दी गई थी। कितने सालों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए ये गारंटी दी गई थी कि 5 वर्षों के लिए अगर कोई आपको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, कमी होती है आपके राजस्व में, तो हम आपको आपूर्ति करेंगे। ये आपूर्ति कितने दिनों पर की जाती है, तो 2-2 महीने पर ये मुआवजा उनको, राज्यों को प्रदान कर दिया जाता है, हर 2 महीने पर इनको दे दिया जाता है, इतनी सी बात आप याद रखिएगा। और आपसे ये पूछा जा सकता है अब कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया, तो 4 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया, और ये ख़त्म होने वाला था 2022 में। चलिए हम आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत ये है कि जो टैक्स मर्ज किए गए थे GST में, आपसे पूछा जा सकता है, हमेशा UPSC पूछ लेती है या फिर स्टेट PCS या अन्य एग्जाम में पूछ लेता है कौन से करों को मर्ज किया गया था GST में। देखिए, सेंट्रल सूची से हम लोग देखेंगे, सेंट्रल लेवी, बहुत सारे टैक्स थे लेवी, वो सब GST के अंतर्गत सब मर्ज कर दिए गए। वैसे ही काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और सर्विसेस एंड सरचार्ज, सर्विस टैक्स
और स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये सभी इसके अंदर मर्ज कर दिए गए जीएसटी के अंतर्गत। वैसे ही अगर स्टेट का देखा जाए तो आप लोग सबसे बड़ा टैक्स जिसको बैट, सेल टैक्स, लोकल टैक्स, परचेज टैक्स और यहाँ तक कि कुछ और भी टैक्स हैं जैसे कि चुंगी, लग्जरी टैक्स और एंट्री टैक्स, इन सबको एंटरटेनमेंट टैक्स, मंडी टैक्स, इन सबको सबमर्ज कर दिया गया जीएसटी के अंतर्गत। अब इन सब चीज़ों को याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से टैक्स राज्यों को मर्ज कर दिए गए हैं। आपको याद रहना चाहिए अल्कोहल और पेट्रोलियम अभी भी बचे हुए हैं जिनको जीएसटी में सम्मिलित नहीं किया गया। चलिए अगला हम देखते हैं, सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता। आपको पता होना चाहिए कि सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत अभी इस समय कर रहा है, अभी भारत इसका सदस्य भी है, अध्यक्षता इस समय कर रहा है, तो कब खत्म होने वाला था, दिसंबर 2022 में खत्म होने वाली है भारत की सदस्यता। इससे संबंधित कुछ ब्यूरो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें कितने अंग हैं, इन सब चीज़ों को याद रखना जरूरी है। देखिए इसके टोटल 5-6 अंग हैं, 6 अंग हैं, उनमें से एक है यूएनएससी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया, और इसके साथ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, फिर ट्रस्टीशिप हो गया, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। ये टोटल 6 ऑर्गन हैं। तो यूएनएससी की बात की जाए इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 उनमें से अस्थायी होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है, ये बात याद रखिएगा। इसकी स्थापना सिर्फ मतलब विश्व युद्ध के बाद की गई थी ताकि आगे फिर ऐसी इस तरह का कोई घटनाएं ना हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। सभी चीज़ों को सबको पता होगा, इसमें कोई बताने वाली जरूरत नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से, सबको पता होगा, चीन, फ्रांस और यूके, यूएस, ये 5 देश हैं जो इसके अस्थायी हैं, और एक रूस भी है, रूस को छूट गया तो रूस को भी याद रखिएगा। इसके 10 जो 10 सदस्य होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं और जनरल असेंबली से 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कौन चुनता है इसको, जनरल असेंबली करती है, चयनित करती है इनको, कितने सालों के लिए, 2 वर्ष के लिए। किस तरह से, रीजनल बेसिस पे करती है। हम लोग 2022 में जब चयनित हुए हैं तो किसके स्थान पे हुए हैं, 2022 में हम जब चयनित हुए हैं तो अफगानिस्तान के स्थान पे, हमने अफगानिस्तान से संबंध बहुत अच्छे थे, उससे बोला कि सर हमें रहने दीजिए इस बार, तो हमें मिल गया था सदस्यता। तो कितने समय के लिए थे, 21-22 के लिए थे, दिसंबर 2022 में हमारा 8वां कार्यकाल खत्म हो जाएगा। हमने क्या किया इस बार, हमारा मेन फोकस यही रहा है कि क्राइम और टेररिज्म, इन मुद्दों को सही तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना, ये जरूरी था। आपसे ये पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में देखेंगे आप, तो आपसे पूछा गया कॉफ़ी क्लब क्या है, फिर G4 नेशन कौन कौन से हैं, इनका मेन ध्येय क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। देखिए कॉफ़ी जो ग्रुप है, कॉफ़ी ग्रुप, इसमें क्या है कि इनका मेन मोटिव ये है कि जो जनरल असेंबली का ये सिक्योरिटी काउंसिल है, जो 5 मेंबर हैं इनको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये परफेक्ट कंडीशन में है, ये कॉफ़ी ग्रुप का ये मानना है। ये लोग कहते हैं इनमें कौन कौन से हैं, इटली, आप याद रखिएगा, इटली है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, और साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, पाकिस्तान। अब गेस करिए पाकिस्तान किसका विरोध करता होगा, यहाँ पे पाकिस्तान भारत का विरोध करता है कि भारत को सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, कोई ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल एक परफेक्ट बॉडी है, उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर देखें इटली और स्पेन किसका अपोजिंग करते हैं, जर्मनी का विरोध करते हैं इटली और स्पेन, इसलिए ये दोनों एक साथ आ गए। फिर वैसे ही पाकिस्तान भारत का विरोध करता है, फिर अगर सिमिलरली देखें अर्जेंटीना ब्राज़ील का विरोध करता है कि ब्राज़ील को अस्थायी सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया जापान का विरोध करता है, कनाडा, जब यहाँ पे देखें ऑस्ट्रेलिया जापान कनाडा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जापान का विरोध करता है और कनाडा साउथ कोरिया का अपोजिशन करता है, साउथ कोरिया को कहता है कि इसको सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए जैसे होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे यहाँ पे है, ये सभी दुश्मन किसी न दूसरे देश के दुश्मन हैं, तो इस तरीके से आपस में दोस्त हैं, तो ये सभी दोस्त मिलकर के एक ग्रुप बनाए हैं जिस ग्रुप को हम कहते हैं कॉफ़ी क्लब, ये बातें याद रखिएगा। फिर जब ये दोस्त हैं, दुश्मन हैं, यहाँ पे जापान हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया, ये सभी क्या करेंगे, फिर अभी ये सब एक साथ आ जाएंगे, क्यों, उस जो ये चारों एक साथ जहाँ आते हैं उस ग्रुप को कहते हैं G4 नेशन। ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में बार बार वीटो प्रयोग कर करके चाइना भारत की बातों को दबा देता है, जिसकी वजह से सही निर्णय नहीं ले पाता, वर्तमान समय में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, किसका, सिक्योरिटी काउंसिल का, इसमें समय की आवश्यकता है कि इसमें रिफॉर्म किया जाए। इस समय यूएनएससी अपने अस्तित्व को खो चुका है और इसमें समय के साथ बदलाव करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से ये पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर सके और रूस यूक्रेन जैसे वार फिर से दोबारा ना हो, इसलिए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। इस तरीके से भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान ये मिल करके ये कहते हैं, बार बार आवाज़ उठाते हैं वैश्विक विभिन्न मंचों पे कि यूएनएससी और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन अपना पूरा मतलब इम्पोर्टेंस खो चुका है, इसको समय के साथ अपडेट करना चाहिए, इसका जो वैश्विक प्रतिनिधित्व है इसको सुदृढ़ करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन पे जो यू कंट्री हैं वहीं पर केवल इसका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, इसका विस्तार अफ्रीका, ब्राज़ील, इन सभी देशों में किया जाना चाहिए।
इस तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पे जी फाउंडेशन का क्या महत्व है और कॉफ़ी क्लब का क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं कि भारत की एक प्रथम महिला जो थी वो क्या की थी, जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनी थी। वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। आपको इनका नाम याद रखना चाहिए। और इसके साथ ही देखें तो वो भारतीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। ये इन्होंने जो था संयुक्त राष्ट्र महासभा का जनरल असेंबली का आठवां जो सेशन था उसकी अध्यक्ष, आठवीं अध्यक्ष रही हैं। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। आपसे पूछा जा सकता है भारत की कौन प्रथम महिला हैं जो कैबिनेट मंत्री बनी थी, तो यही हैं। इसके साथ साथ इन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल जब लगाई थी उन्होंने, तो ये जनता दल में शामिल हो गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता, कथन में दिया जा सकता ये जनता दल से संबंधित थी, तो हाँ ये जनता दल से संबंधित थी, कांग्रेस से भी संबंधित थी, लेकिन जनता दल में बाद में ये शामिल हो जाती हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं G20 क्या। G20 की मीटिंग भारत करने वाला है, अभी जल्दी ही करने वाला है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि 2023 में नई दिल्ली में G20 समूह का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें ये कौन सा शिखर सम्मेलन होगा आपको ये बताना है। तो देखिए भारत जो करेगा ऑर्गेनाइज वो 18वां होगा, लेकिन 17वां चल रहा है 2022 में, नवंबर 2022 में, अभी नवंबर चल रहा है। इसमें कहाँ पर चल रहा है? इंडोनेशिया में चल रहा है G20 का शिखर सम्मेलन। भारत उसमें पार्टिसिपेट भी कर लिया है। और इसके बाद दिसंबर 2022 में से यहाँ पे उसके बाद दिसंबर 2022 से 18वां सेशन G20 का अध्यक्षता भारत ग्रहण कर लेगा दिसंबर से। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें देखें तो भारत किन किन देशों को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा G20 का जब अध्यक्षता करेगा। तो इसमें देखिए बांग्लादेश को करेगा, सिंपल सी बात, मिस्र को करेगा, मॉरिशस को करेगा, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त राज्य अरब अमीरात को, UAE को भी आमंत्रित करेगा। इतने सारे देश अपने मित्र देशों को आमंत्रित करेगा G20 का शिखर सम्मेलन में। इसके पास साथ देखें तो इसमें एक कथन होता है ट्रॉइका। आपको ट्रॉइका के बारे में पूछा जा सकता है। ट्रॉइका का मतलब ये होता है कि जैसे कि इस बार 2022 में इंडोनेशिया कर रहा है, फिर अगला भारत करेगा, फिर इसके बाद कौन सा देश करेगा, इन तीनों से मिलकर के अगला ब्राज़ील करेगा। तीनों से मिलकर के जो ग्रुप बनता है, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, फिर इंडिया हो गया, फिर ब्राज़ील, तीनों से मिलकर के जो ग्रुप बनता है उसको कहते हैं ट्रॉइका। मतलब एक पिछला जो करने वाला है, जो भावी अगला करने वाला है, इन तीनों से मिलकर जो ग्रुप बनता है उसको कहते हैं ट्रॉइका। फिर अगर इस चीज़ देख लें, हमको यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है इसका गठन कब किया गया था। देखिए जब आर्थिक संकट आया था तो 1999 में उस दौरान इसका गठन किया गया था, और पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच के रूप में ये उभर कर सामने आया। इसमें देखें तो आपसे पूछा जा सकता है कि G20 के देश दुनिया के कुल आबादी का कितना परसेंट शेयर करते हैं, तो ये 60% आबादी शेयर करते हैं। विश्व के GDP का 80% ये शेयर करते हैं। विश्व की सारी GDP 100% है, तो उसमें से 80% केवल G20 नेशन से संबंधित लोग, मतलब इन्हीं का ही है 80%। अगर वैश्विक व्यापार का 75% ये योगदान देते हैं G20 नेशंस। अब अगर G7, G8 और G20 के बारे में देख लिया जाए तो क्या क्या चीज़ें हैं। G20 नेशन के कौन कौन से सदस्य हैं, G7 के कौन सदस्य हैं, तो देखिए हम यहाँ पे देखें, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इंडिया G7 में शामिल नहीं है। अब यहाँ पे देखें US हो गया, फिर UK हो गया, ये सभी इसके मेंबर हैं। फिर रसिया जब इसमें सम्मिलित हो जाता है तो G8 हो जाता है। बाकी अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए UAE है, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे UAE नहीं है, वो सम्मिलित नहीं है, इसलिए तो उसको आमंत्रित किया गया UAE को। अब इस तरीके से यहाँ पे देखना इन देशों को ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये G20 के मेंबर नहीं हैं, इसलिए इनको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ये मेंबर होते तो इनको आमंत्रित करने की जरूरत ही नहीं होती। तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा, जैसे बांग्लादेश, मिस्र भी इसका मेंबर नहीं है, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात UAE, उसका भी नाम इसमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आप इसमें याद कर सकते हैं, तो आप इनका नाम देख लेंगे थोड़ा सा तो याद रहेगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे देश हैं, इनका कोई खास उतना वैश्विक पहुँच नहीं है। तो आप यहाँ देखते हैं इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सभी सम्मिलित हैं इसमें G20 समूह में। अब चलिए एक चीज़ देख लेते हैं हम यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जरूरी है मार्स। मार्स अभी एक मिशन है प्रारंभ किया गया, तो ये मंगल वाला मार्स नहीं है, मिथेन वाला मार्स है। तो अब देखिए 27 कॉन्फ्रेंस चल रहा है, COP 27 कहाँ पर चल रहा है, शर्म अल शेख में, इजिप्ट में चल रहा है। वहीं पर UNEP ने क्या किया, इसको जारी किया, द मेथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, उसको मार्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको जारी किया गया, UNEP ने जारी किया। और उसकी एक संस्था है, कौन, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन वेधशाला IMEO, दोनों ने मिलकर के इसको स्थापित किया, क्या करने के लिए, पूरे विश्व में निगरानी करने के लिए कि कौन सा देश में मीथेन का उत्सर्जन किस लेवल पर किया जा रहा है। और ये पहली अपनी तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सभी के लिए अवेलेबल होगी और कोई भी देश इसको देख सकता है। ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया गया था और इसमें यह कहा कि 2030 तक हम 30% मीथेन का उत्सर्जन कम कर देंगे।
अब इसका बेस ईयर भी तो कुछ रहा होगा, बेस ईयर 2020 था कि 2020 में हम जितना उत्सर्जन करते थे उसका 30% हम कमी कर देंगे उत्सर्जन में, किसमें, मेथेन में। इसको अगर हम कम करते हैं तो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर हम मेंटेन करने की बात किए थे UNFCCC के अंतर्गत, उसको हम कहीं ना कहीं कर पाएंगे, लिमिट कर पाएंगे कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े। इसके साथ ही साथ अगर हम इसको कर सकते हैं 30% कम कर पाते हैं तो हम क्या कर पाएंगे, 0.2% टेम्परेचर जो 2050 तक बढ़ने की संभावना है, मतलब ज़्यादा बढ़ने की संभावना थी, उसको हम इतना परसेंट तक कम कर पाएंगे, 0.2 डिग्री सेल्सियस कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे हम अगर मेथेन को कम कर पाते हैं 2020 के लेवल पर। तो ये बातें आपको याद रखने की जरूरत है। ग्लोबल मेथेन प्लेस किससे संबंधित है, ये मेथेन से संबंधित है। इसका बेस ईयर 2020 है, हमने ये टारगेट रखा था 2020 के अकॉर्डिंग 30% की कमी कर पाएंगे, ये 2030 तक का हमने एम रखा है कि 2030 तक कमी कर लेंगे। इसमें आपसे मार्स के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन से संस्थाओं ने मिलकर इसको गठित किया है, UNEP IMEO दोनों ने मिलकर इसको गठित किया है, COP 27 में इसको किया गया, लॉन्च किया गया। चलिए अगला देखते हैं, ओरोमा मिशन। ओरोमा मिशन के बारे में देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसका विस्तार और ज़्यादा कर दिया गया है। इसमें हुआ क्या है, जम्मू कश्मीर की रामबन एक क्षेत्र है, रामबन वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था, कल्टीवेशन इसका स्टार्ट किया गया था अरोमा मिशन को। अब दूसरा चीज़ आपसे ये पूछा जाता है, कौन से संस्था ने इसको तैयार किया है, CSIR ने इसको स्थापित किया है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है CSIR का, आप लोगों जानते होंगे। तो इसको स्टार्ट किया गया था, और इसमें क्या किया गया है कि अब इसका विस्तार ऐसे क्षेत्रों में कर दिया गया जहाँ पर जल की समानता कमी रहती है, मतलब वो सूखा क्षेत्र रहते हैं, जैसे कि विदर्भ, फिर से बुंदेलखंड, गुजरात, मराठवाड़ा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये ऐसे क्षेत्र इसके इनके वो क्षेत्र जहाँ बार बार मौसम चरम घटनाएं देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे में वहाँ पे फ्लोरी कल्चर को बढ़ावा देकर के इनके किसान आय को बढ़ाया जा सकता है, और इसी दृष्टिकोण से ये लेवेंडर मिशन कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपसे ये पूछा सर, लेवेंडर मिशन को किसने प्रारंभ किया, तो CSIR ने किया है, और CSIR की ही एक ब्रांच है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, वो दोनों ने मिलकर के इसको स्थापित किया है। CSIR के बहुत सारे ब्रांच हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, वो मतलब कुल मिलाकर CSIR के ही ब्रांचेज हैं, और CSIR दोनों मिलकर के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, पालमपुर में स्थित है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोस्फीयर टेक्नोलॉजी वो, और जम्मू कश्मीर में स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये तीनों संस्थाएं मिलकर के, मतलब कुल मिला के CSIR के ही तीनों संस्थाएं हैं, मिलकर इसको चालू करी हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है CSIR कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, और इसको 26 सितंबर 1942 में इसको स्थापित किया गया था, 80 साल हो गए इसको स्थापित हुए, ये भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इस चीज़ में, आप इसके बारे में आप याद रखें। और शांति स्वरूप भटनागर का नाम आपने उन्होंने सुना होगा, उनके द्वारा उनके विभिन्न प्रयासों के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे देखें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे कि G20 हमने जैसे जिस तरीके से देखा G20 वैसे ही C20 है। C20 का इंपॉर्टेंस क्या है, C20 में कुछ ऐसे देश सम्मिलित होते हैं जो G20 का एक आधिकारिक संपर्क समूह है, G20 से ही संबंधित है ये भी, लेकिन C20 मतलब इसमें विश्व के वे नेता जो G20 के माध्यम से अपनी बातें नहीं रख पाते, सिविल सोसाइटी के व्यक्ति जो यहाँ से मंच नहीं प्राप्त कर पाते, उनको C20 के माध्यम से मंच प्रदान किया जाता है, और सिविल सोसाइटी के लगभग 800 से अधिक यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो अपनी बातें यहाँ से रखते हैं C20 के माध्यम से। तो ये बात आपसे पूछा जाता है C20 का संबंध किससे, यह एक ऐसा मंच है जहाँ से सिविल सोसाइटी के और कुछ ऐसे व्यक्ति जो G20 के माध्यम से अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर पाते, अपनी बातें नहीं रख पाते दुनिया के सामने, वो से रखते हैं। अब फिर आपसे पूछा जाता है परमा क्राइसिस क्या है, परमा क्राइसिस ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला, एक घटना हुई उसके बाद एक हो गई फिर दोबारा हो गई, इस घटना को हम कहते हैं परमा क्राइसिस, आप ये बात याद रखिएगा। अस्थिरता और असुरक्षित समय को ही इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है परमा क्राइसिस का मतलब, जैसे COVID-19, रूस यूक्रेन संघर्ष, ये दोनों एक साथ हुए, इस कंडीशन को हम कहते हैं परमा क्राइसिस, दो घटनाएं एक साथ घटित हों उसको परमा क्राइसिस कहते हैं। फिर ग्रीन वॉशिंग एक कंडीशन है, आपसे पूछा सर ग्रीन वॉशिंग किसे कहते हैं, ऐसे टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं। ग्रीन वॉशिंग मतलब ये हो गया कि आपने कोई मतलब ऐसी चीज़ दिखा दिया जैसे ग्रीन पैकेट बना दिया, भले ही से उसमें प्लास्टिक हो लेकिन आप उसको ग्रीन बना के दिखा दिया कि इको फ्रेंडली है, ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करने की घटना को ही हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन वॉशिंग के सबसे पहले किसने उपयोग किया था इस शब्द को, तो 1986 में पर्यावरणविद थे जे वेस्टरवेल्ड, ये कहाँ के हैं, इन्होंने पहली बार इसको प्रयोग किया था, आप इनके बारे में याद रखने की जरूरत है, ये काफ़ी फेमस भी हैं, आप गूगल पे इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग के बारे में बस याद रखिएगा,
जब निजी कंपनियां ग्रीन मतलब रेवोल्यूशन के एक तरह से दिखाएं कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं और ग्रीन पैकेजिंग करें, तो उस घटना को हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। भले ही से उनके द्वारा किसी भी तरीके का इमिशन में कटौती ना हो, भले ही से वो इको फ्रेंडली भी ना हो, फिर भी वो ग्रीन बनाते हैं, उस तरीके को हम मतलब लोगों को मूर्ख बनाते हैं सीधे से कहें तो, उस घटना को कहते हैं हम ग्रीन वॉशिंग। वैसे हम ग्लोबल साउथ के बारे में बात करें, ग्लोबल साउथ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और रिप्रेजेंट किसको करता है, जो बाद में स्वतंत्र हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए देशों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें लैटिन अमेरिका अर्थात साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, ओशनिया और अन्य विकासशील देश जो साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। दक्षिणी गोलार्ध, अब भारत तो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पड़ता, दक्षिणी गोलार्ध में भारत नहीं पड़ता, इसीलिए तीसरी दुनिया के देश ये जो नीचे पड़ते हैं हिस्से में उनको रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे ग्लोबल साउथ। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये सभी देश जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्वतंत्र हुए उन सभी देशों का एक समूह है ग्लोबल साउथ। वैसे ही देखें कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इनको ये वे शेयर होते हैं जिनको बाद में इक्विटी में परिवर्तित किया जाता है। इक्विटी मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर है इसमें 100% यहाँ पे शेयर है मतलब मालिकाना हक है, तो इसमें से आपको कुछ शेयर आपने खरीदा है शेयर आपको कुछ ब्याज मिलता है, लेकिन बाद में ये इक्विटी में बदल जाएगा, इसमें 2% आपको इक्विटी मिल जाएगी, इस कंपनी का मालिकाना हक 2% आपको दे दिया जाएगा जो शेयर लिए थे उसको। तो ये घटना जब निश्चित अवधि के बाद मान लीजिए आपने शेयर खरीदा है, कुछ समय बाद ये इसमें कंडीशन दे दिया जाए कि हम आपके जो शेयर हैं उनको लौटा नहीं पाएंगे, तो आपको इक्विटी में इसको परिवर्तित कर देंगे, मालिक बना दिया जाएगा आपको कंपनी का कुछ परसेंटेज में। इस घटना को कहते हैं कंपल्सरी कन्वर्टिबिलिटी मतलब प्रेफरेंस शेयर। अभी ये क्यों न्यूज़ में था, देखिए अभी हाल ही में बीमा नियामक जैसे इरिडा का नाम आपने सुना, इरिडा ने एक कंपनी को अपना शेयर जारी किया था, उसका नाम है गो डिजिट इन्फोवर्स कंपनी, इसको अपने शेयर जारी किया था और अनिवार्य परिवर्तनीय वरीयता शेयर इक्विटी में बदलने का प्रस्ताव को खारिज कर दिया इसने, क्योंकि उसने प्रस्ताव रखा कि मेरे जो शेयर हैं उसको इक्विटी में परिवर्तित कर दिया और इरिडा ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसी घटना के लिए ये न्यूज़ में था, आपसे पूछा जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। प्रतिकूल चयन एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन आप नाम से यहाँ समझ में आ रहा होगा, एडवर्स मतलब विपरीत परिस्थिति, जैसे कि आपने कोई चीज़ चयनित किया, आपको पता है लेन देन के पक्ष में आपको गुणवत्ता और वैधता के बारे में सारी जानकारी पता है, आपको लाभ हानि के बारे में पता है, आप उस कंडीशन में निर्णय लेने वाले हैं उसी को कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन, आपको निर्णय कौन सा लेना है कौन सा बेहतर है, तो आप जानते हैं इसमें कौन सा लाभ है कौन सा नहीं, तो ऐसी स्थिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया को एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है और इंपॉर्टेंस में पूछे जा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।